आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। उत्तर प्रदेश का कानपुर, वो कानपुर जो कि बदनाम है, वो कानपुर जिसमें बड़े बड़े कांड होते रहते हैं, और एक बार फिर से कानपुर में वो बड़ा कांड हुआ है जिसके चर्चा दुनिया भर में हो रही है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर मिले खजाने की चर्चा चारों ओर है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से आयकर विभाग और DGGI की रेड में इतने पैसे मिले हैं कि नोट गिनते गिनते अफसर तो क्या मशीनें भी थक गई हैं। कानपुर के धन कुबेर पीयूष जैन के घर लगातार 36 घंटे तक चली छापेमारी के दौरान नोट गिनते गिनते अफसरों के पसीने छूट आए। अब तक की छापेमारी में पीयूष जैन के घर से करीब 180 करोड़ रुपए की बरामदगी हो गई है। 180 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। 36 घंटे तक जारी छापेमारी में करीब 27 अफसर लगे हुए थे। साथ ही इन पैसों के गिनने के लिए 19 मशीनों का सहारा लिया गया। दरअसल पीयूष जैन के घर से मिले 180 करोड़ रुपए को 80 बक्सों में भरा गया और कर्मचारियों की मदद से बैंक तक पहुंचाए गए। 36 घंटे तक चली इस कार्रवाई में कुल 27 कर्मचारी लगातार लगे हुए थे। हालांकि छापेमारी के दौरान घर के अंदर और बाहर दोनों जगह पुलिस बलों की तैनाती थी। फिलहाल सूत्रों की माने तो आयकर विभाग की टीम अब भी पीयूष जैन के घर नोटों की गिनती कर रही है। कानपुर से मेरे सहयोगी विकास चौहान मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विकास, कानपुर में एक बड़ा कारनामा हुआ है पीयूष जैन के घर, फिलहाल की तस्वीरें कैसी हैं? जी, आपको बता दें कि ये कानपुर का सबसे बड़ा छापा था। DGGI की टीम और IT की टीम ने मिलकर के इस छापे को अंजाम दिया और लगभग 40 घंटे लगातार नोटों की गिनती हुई, मशीनें मंगाई गई, एक नहीं दो नहीं कम से कम एक दर्जन से अधिक मशीनें लगाई गईं और बैंक कर्मचारी लगाए गए नोट गिनने के लिए। 177 करोड़ से भी ज्यादा की रकम जो है नगद घर से बरामद की गई है। विकास, क्या और रकम मिलने की उम्मीद है? अभी मैं आपको बता दूं कि फिलहाल तो अब छापेमारी खत्म हो गई है। देर रात लगभग सवेरे 4 बजे DGGI की टीम और IT की टीम पीयूष जैन को लेकर के जांच के लिए चली गई है और इनके अन्य ठिकानों की, जो अन्य अलग अलग शहरों में इनके ठिकाने हैं जहां इनके आवास हैं, वहां पे ले जा करके छापेमारी की जाएगी। अब अन्य जगह कितना क्या निकलता है, फिलहाल कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में लगभग 170 करोड़ कैश बरामद हुआ है पीयूष जैन के घर में। विकास, अगर पीयूष जैन की मैं बात करूं तो जरा पीयूष जैन के बारे में आप बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि ये वही इत्र है जो समाजवादी पार्टी ने दिखाया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो थोड़ा समझाने की आप कोशिश करिए, बताने की कोशिश करिए पीयूष जैन के बारे में। जी, पीयूष जैन की बात करें अगर तो पीयूष जैन कन्नौज के इत्र व्यापारी हैं और बहुत बड़े व्यापारी हैं। ये कहना कोई इसमें गुंजाइश नहीं हो सकती है, संभवतः इनके कनेक्शन भी हो और ये वही इत्र हो सकता है जो समाजवादी पार्टी ने एक बार अपने प्रचार में भी कहा था कि ये इत्र लगाएंगे तो काफी सुगंधित महसूस करेंगे अपने आप को। और इनके तार जो है गुजरात से भी सामने आ रहे हैं कि गुजरात में इनके कुछ दस्तावेज बरामद किए गए थे, वहां से जांच टीम बैठी हुई इनके साथ में और वहां से खुलासा हुआ है कि इस तरीके का जो है इन्होंने इनकम टैक्स और GST का जो है घोटाला हुआ है। तो वहां से खुलासा करते हुए एक ट्रांसपोर्टर के माध्यम से कानपुर तक यहाँ पे आए और यहाँ पे जब छापा मारा गया, इनके घर पे छापा मारा गया, तो DGGI और IT की टीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। ठीक है विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो कानपुर की तस्वीरें, पीयूष जैन के घर 180 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है और पूछताछ के लिए अब भी पीयूष जैन को जो विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार
गोंडा में बीजेपी की महिला मोर्चा ने महिला सम्मेलन का आयोजन किया। गांधी पार्क के टाउन हॉल में पूरे जिले से महिलाओं को इकट्ठा कर महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जुट जाने को कहा है। इस महिला सम्मेलन में महिला पदाधिकारियों के अलावा महिला कार्यकर्ता तमाम ग्रामीण महिलाएं शामिल हुई। महिला मोर्चा के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर टाउन हॉल पहुंचे सूबे की बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह ने महिलाओं को संबोधित किया और योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। स्वाति सिंह ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी की और प्रदेश में योगी की सरकार बनी है तब से महिलाओं के स्तर में सुधार आया है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मोदी जी ने इस देश की बागडोर को संभाला है उन्होंने महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखकर योजनाएं बनाई हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र बिंदु में आधी आबादी को रखकर के तब योजनाएं बनाई हैं क्योंकि किसी भी देश को सशक्त बनाने के लिए किसी भी समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये आवश्यक है कि उस समाज की जो आधी आबादी है जो बहनें हैं जो माताएं हैं वो सशक्त हों। लगता है कि जूही सिंह को पहले तो जो उनके पार्टी के एमपी ने जो टिप्पणी किया है जो एक अभद्र टिप्पणी की है बेटियों के जो उम्र बढ़ाई गई है विवाह की उम्र 18 से 21 साल की गई है उनकी पार्टी के ही एक एमपी ये कहते हैं कि अगर उम्र बढ़ाई जाएगी शादी की 18 से 21 साल की जाएगी तो लड़कियों में आवारगी आएगी। पहले उस पर टिप्पणी करें, पहले अपने पार्टी में महिलाओं को सम्मान दिलाएं, उसके बाद किसी और की बात। हमीरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां पर पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को 35 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। वहीं इसमें एक महिला भी शामिल है। दोनों गांजा तस्कर जिले में पिछले कई सालों से गांजे का अवैध व्यापार कर रहे थे। बड़े पैमाने पर गांजा दूसरे जिलों से लाकर हमीरपुर में बेचा करते थे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना और मौदहा थाने में दो गांजा सप्लायर पकड़े गए हैं। इनमें एक महिला है, एक राजेंद्र शिवहरे और एक मल्लिका, ये दो लोग पकड़े गए हैं। इनके कब्जे से 35 किलो गांजा बरामद हुआ है। इस बारे में ज्ञात हो रहा था कि बहुत पहले से ये गांजा सप्लाई का काम करते हैं, बाहर से लाते हैं और यहाँ पे सप्लाई करते हैं। अभी सूचना संकलित करते हुए SOG की टीम और संबंधित थानों की पुलिस द्वारा इनको अरेस्ट किया गया है। इनके कब्जे से 35 किलो गांजा बरामद किया। इस संबंध में 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।